रनिंग कॉस्ट भी सोचो यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत कॉस्टली है। हेलो गाइस, नमस्ते, दिस इज पी विजय। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक्चुअली आप कितना सेविंग करते हो आपके कमाए हुए पैसे का जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्टिवा एंड हीरो ऑप्टिमा HX ड्यूअल बैटरी। अभी आपको लगेगा भाई तू हीरो ऑप्टिमा हीरो इलेक्ट्रिक की क्यों बात कर रहा है। गाइस, हीरो इलेक्ट्रिक का टोटल मार्केट शेयर अभी है 36%। यस, व्हिचएवर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यू सी ऑन द रोड, 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर वहां पे है तो उसमें से 36 जो स्कूटर्स है वो हीरो इलेक्ट्रिक की है। तो हम कंपैरिजन करेंगे इन डिटेल कि आप अगर एक्टिवा लेते हो और आप अगर हीरो इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हो तो कितना सेविंग आप करते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं रनिंग ऑफ 20 किलोमीटर डेली बाय एक्टिवा एंड बाय हीरो इलेक्ट्रिक। तो गाइस, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जब मैं 20 किलोमीटर रोज चलाता हूं, व्हेन आई रन 20 किलोमीटर एवरी डे, तो 30 दिन के लिए कितना हो जाता है, वो हो जाता है 600 किलोमीटर। ओके, वो एक मंथ में कितना हुआ, 600 किलोमीटर। जब मैं 600 किलोमीटर चलाऊंगा, अभी अगर मुझे पेट्रोल का रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल बात करता हूं कि मुझे एवरेज कंसिडर करना पड़ेगा। अभी जो 5G है गाइस, वो बोलते हैं कंपनी बहुत अच्छा एवरेज देती है, मैं कंसिडर करता हूं 5G का एवरेज करीबन 45, एक लीटर जब आप पेट्रोल भरते हो तो 45 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। ओके, तो मैं कंसिडर करता हूं एवरेज 45 किलोमीटर का। तो अगर मुझे 600 किलोमीटर जाना है तो 600 डिवाइडेड बाय 45, जब मैं करता हूं कितना आता है, मेरे पास कैलकुलेटर है, 600 डिवाइडेड बाय 45, वो आता है 13.33 लीटर्स। ओके, तो पूरे महीने में मुझे 13.33 लीटर्स का पेट्रोल लगेगा। नाउ इफ आई कंसिडर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, इफ आई कंसिडर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन नासिक, एक लीटर पेट्रोल जो है वो 102 रुपए को मिलता है। कितना, 110 रुपए। तो मैं अभी कर रहा हूं 13.33 × 110, इट इज 1466.67। ओके, तो मैं कंसिडर करता हूं वन लीटर पेट्रोल अराउंड 110 रुपए। तो आपको अगर 600 किलोमीटर जाना है तो टोटल पेट्रोल की कॉस्ट कितनी लगेगी, 1466.67। तो मैं इसको राउंड कंसिडर कर रहा हूं 1500, लेट्स मेक इट राउंड फिगर 1500। 1500 रुपए आपको महीने का खर्चा आएगा। अगर आपका रोज का रनिंग है 20 किलोमीटर, तो महीने का रनिंग हो गया 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर आपकी एक्टिवा अगर आपको चलानी है तो आपको कितना खर्चा आएगा, 1500 रुपए पेट्रोल के लिए, सिर्फ पेट्रोल। ओके, नाउ मैंने यहां पे इनिशियल कॉस्ट नहीं लिया गाइस। एक्टिवा ये जो व्हीकल है ना, इसका इनिशियल कॉस्ट है अराउंड 90,000। ओके, मिनिमम 90,000 कॉस्ट तो है ही, तो इनिशियल कॉस्ट कितना है, 90,000। आई होप आप ये नोट कर ले रहे हो, आप समझ ले रहे हो। इफ यू आर नॉट नोटिंग डाउन, एटलीस्ट अंडरस्टैंड इनिशियल कॉस्ट कितना है, 90,000। और रनिंग कॉस्ट कितना है, 1500 रुपए पर मंथ। इसमें अगर आप मेंटेनेंस वगैरह ऐड कर जाते हो तो आपको पता है कि सर्विसिंग करनी पड़ती है गाड़ी की, कुछ किलोमीटर्स के बाद और कुछ महीने के बाद। हर साल में आप सर्विसिंग पे करीबन कम से कम 1500 से 2000 रुपए आपको सर्विसिंग को लगता है पूरे साल में, मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं 1500 रुपए पर मंथ, तो पूरे साल में इफ आई कंसिडर 1500 × 12, then it is 18,000. That is 18,000 rupees per year you are spending only on petrol. Only 18,000 rupees per year. और इसमें servicing add करो, करीबन 1500 रुपए servicing cost. Guys, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं 600 किलोमीटर रनिंग के लिए। ये सब नोट कर लो आप, ये अभी मैं यहां पे रखने वाला हूं, ये मैं रब करने वाला हूं ताकि हम इसका कंपैरिजन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ करेंगे। नाउ लेट्स डू द एनालिसिस फॉर हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा HX ड्यूअल बैटरी। तो मैं रब कर रहा हूं,
ये मैं ऐसे ही रख रहा हूं इसका बाजू में, दिस इज ऑफ अवर एक्टिवा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हीरो ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी की बात करता हूं। गाइस हीरो ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी जो व्हीकल है ना, उसकी इनिशियल कॉस्ट करीबन 76,000 है। ओके, इनिशियल कॉस्ट इज 76,000, तो इनिशियल कॉस्ट भी कम है गाइस, इनिशियल कॉस्ट भी कम है। एक्टिवा की इनिशियल कॉस्ट 90,000 है, इसकी 76,000 है। ये जब आप कॉस्ट पे करते हो, आपको बहुत अच्छी खासी गाड़ी मिल जाती है, जिसमें आपको बैटरी आती है करीबन 3 किलोवाट आवर की, जो आपको रेंज देगी 120 किलोमीटर्स। सुनो, अच्छे से सुनो, एक बार आप जिसको चार्ज करोगे 3 किलोवाट आवर बैटरी को, तो आपको 120 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। मतलब अगर मुझे 600 किलोमीटर जाना है पूरे मंथ में, तो कितने बार चार्ज करना पड़ेगा, 600 डिवाइडेड बाय 120, मतलब मुझे 5 बार मेरा व्हीकल चार्ज करना पड़ेगा। कितने बार, 5 बार, तो मुझे 5 times आई नीड टू रिचार्ज, 5 times रिचार्ज द बैटरी। अभी एक बार चार्ज करने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। अभी यहां पे क्या दिखा है, 3 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर मींस 3 units ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं कंसिडर करता हूं कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 6 रुपीज पर यूनिट है, 6 रुपीज पर यूनिट। अगर आपको और इजी करना है इसको, अगर आपको और इजी करना है, तो मैं 10 रुपीज कंसिडर कर लेता हूं। भाई इतना महंगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट आपके लिए मैं इजी कर रहा हूं। आई कंसिडर 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक बार चार्ज करने के लिए मुझे 30 रुपए लगेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं इजी करके, 10 रुपीज पर यूनिट, दैट मीन्स फॉर चार्जिंग इट वंस यू विल रिक्वायर 30 रुपीज, बिकॉज इट इज 3 किलोवाट आवर। एक बार चार्ज करने के लिए 30 रुपया लगेगा, 30 रुपए में आप जाओगे 120 किलोमीटर। अभी अगर मुझे पूरा कुल मिला के 600 किलोमीटर अगर जाना है, तो मुझे यह चार्ज करना पड़ेगा 5 बार। अगर मुझे 5 बार चार्ज करना है, तो 30 रुपीज इंटू 5, इफ आई डू देन आई विल गेट कॉस्ट इक्वल टू 150 रुपीज। गाइज दिस इज रनिंग कॉस्ट। हीरो ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी आपको 150 रुपए में 600 किलोमीटर लेके जाएगा पूरे महीने में। एक्टिवा को आपको लगेगा 1500 रुपए सिर्फ पेट्रोल के लिए, मतलब इसको पूरे साल में कितना लगेगा, 1800 रुपए इलेक्ट्रिसिटी। हीरो ऑप्टिमा एचएक्स विल रिक्वायर 1800 रुपीज फॉर रिचार्जिंग इन 1800 रुपीज फॉर अ ईयर, और यहां पे कितना है, 18,000 रुपीज। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट है, ये पेट्रोल व्हीकल से 1/10 है। अगर पेट्रोल को आप हर महीने में 4,000 रुपया खर्चा करते हो 2-व्हीलर के लिए, तो इलेक्ट्रिक के लिए आपको सिर्फ 400 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, इट इज 1/10। अभी इसमें सर्विसिंग की बात करूं, तो कुछ भी सर्विसिंग नहीं है गाइस, क्योंकि कंपोनेंट्स 3 ही है, बैटरी है, मोटर है, कंट्रोलर है, उसको 0 मेंटेनेंस है, देयर इज नो मेंटेनेंस। एंड इफ यू विश टू बाय न्यू बैटरी आफ्टर 3 इयर्स, आपको ऐसा लग जाता है कि 3 साल के बाद बैटरी खराब हो जाती है, नई बैटरी खरीदो। हीरो ऑप्टिमा एचएक्स ड्यूअल बैटरी की अभी की कॉस्ट है 30,000 रुपीज, 3 साल बाद वो और सस्ती हो जाएगी। मैं 30,000 भी कंसिडर करूं, तो भाई 18,000 रुपए में इंटू 3 अगर मैं करता हूं, तो 54,000 हो जाता है। 3 साल में आप 54,000 का सिर्फ पेट्रोल खर्चा करोगे एक्टिवा पे, और 3 साल के बाद फिर से नया बैटरी लेना पड़ेगा, तो भी वो आपको 30,000 रुपए पड़ेगा। सो गाइज रनिंग कॉस्ट भी सोचो यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत कॉस्टली है। अरे भाई इनिशियल कॉस्ट भी कम है, 76,000। एक्टिवा, जुपिटर, कौन सी भी व्हीकल लो, मिनिमम 90,000 कॉस्ट है भाई। So you should also compare the running cost, the maintenance cost, and then only आपको पता चलेगा कि electric vehicle कितना beneficial है। So guys, I hope आपको ये clear हो गया कि electric vehicle is always better than petrol vehicle, 2-wheeler also and 4-wheeler also। So guys, ये video कैसा लगा जरूर बोलना। Thank you so much for watching this video till the end। Channel को subscribe करो, video को like करो। Guys, motivation लगता है मुझे भी ये video बनाने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।